डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माई डियर व्यूअर्स टूडेज क्लास इज़ रिलेटेड टू जोग्रफ़ी आई सी एस सी क्लास नाइन एंड दिस इज़ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर जोग्रफी बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंडॉम्स ऑफ द अर्थ पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर विल गो थ्रू माउंटेन्स प्लेटोज एंड प्लेन्स तो जो तीन लैंड फॉर्म्स होता है उसमें तीनों का नाम क्या है माउंटेन प्लेटूज एंड प्लेन्स तो हम लोग इसी तीनों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में ये इसी से डील करता है लेकिन इससे पहले इससे एक रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं उसके बाद तो चैप्टर को देखेंगे ही तो इसमें एक टर्म आता है जियो मॉर्फोलॉजी सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ जियो मॉर्फोलॉजी जियो का मतलब होता है अर्थ मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और ओलोजी का मतलब होता है साइंस मतलब एक ऐसा साइंस जो अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बताता है क्योंकि तीनों ही चीज़ माउंटेन प्लेटूज और प्लेन फॉर्म होता है तो so ये एक तरह से जियो मोर्फोलॉजी एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम अर्थ के रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं सो इफ़ वी हैव टू डिफाइन जियो वी कैन से इट इज़ दिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द अर्थ रिलीफ फीचर्स इसके अलावा जब से ये दुनिया बनी है तब से लगभग नाइन औरजेनिक औरजेनिक एक टर्म यहाँ पर आता है औरजेनिक का मतलब होता है यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट और एक औरजेनी में कम से कम टेन ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है नाइन औरजेनिक पीरियड्स का अभी तक फॉर्मेशन है उसमें कई तरह के लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है तो लेकिन जो सबसे रिसेंट में जो तीन ओरोजेनिक है हम उसके बारे में देखेंगे और उसमें पहला आता है कैलिडोनियन पीरियड कैलिडोनियन पीरियड का जो टाइमिंग है अबाउट 350 मिलियन ईयर से गो जब माउंटेन रेज होना स्टार्ट हुआ तो ये पीरियड था कैलिडोनियन पीरियड यानी अबाउट 350 फिफ्टी मिलियन ईयर से गो, इस टाइम में जो माउंटेन फॉर्म हुआ उसमें माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड माउंटेन्स ऑफ एस्कनेविया कह सकते हैं दूसरा पीरियड जो यहाँ पर आता है वो है हरकेनियन पीरियड हरकेनियन पीरियड का जो फॉर्मेशन कर है वो है अबाउट 240 फोर्टी मिलियन ईयर्स एगो गो टू फोर्टी मिलियस गो इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसमें जो मेन माउंटेन है उसमें हम यूरल माउंटेन इसके अलावा पेनिनस इसके अलावा वेल्स आइलेंड्स ऑफ ब्रिटेन हार्ज माउंटेन ये सब नाम हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं और तीसरा जो पीरियड है रिसेंट पीरियड जिसको हम अल्पाइन पीरियड भी कहते हैं तो अल्पाइन पीरियड ये सबसे रिसेंट पीरियड है अबाउट थर्टी मिलियन ईयर्स से गो इसका इस पीरियड में बहुत सारे माउंटेन फॉर्म हुए थे तो इसको हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं तो इसके बारे में देखेंगे इसके अलावा जो ये इस जो मोस्ट रिसेंटली फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स है उसमें अगर दो चार का हम नाम लें तो आल्प्स हिमालयाज, रॉकीज़ एंडस ये सब मेन रिसेंटली फॉर्म माउंटेंस है जिसका फॉर्मेशन 30 मिलियन ईयर्स के अंदर हुआ है बाकी हमने कहा तो तीन पार्ट में माउंटेन बिल्डिंग पीरियड को हमने बांट दिया कौन कौन एक था कैलिडोनियन पीरियड दूसरा था हरकेनियन पीरियड और तीसरा है एल्पाइन पीरियड इस तीनों पीरियड का हमको याद रखना होगा पहला जो था कैलिडोनियन 350 फिफ्टी मिलियन ईयर से हरकेनियन टू फोर्टी मिलियन से को और ये तीसरा जो एल्पाइन है वो 30 मिलियन ईयर से में इसका फॉर्मेशन हुआ है तो अब यहाँ पर जो मेन पार्ट्स है हम लोग चलते हैं कि माउंटेंस को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं तो माउंटेंस को हम लोग बाँटे हैं तो मेनली तीन पार्ट से माउंटेन को बांट सकते हैं माउंटेन तीन तरह का हो सकता है कौन कौन तन, इसके फॉर्मेशन के हिसाब से तीन पार्ट में बांट सकते हैं पहले पीरियड के हिसाब से, से देखा हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मेशन के हिसाब से पहला है माउंटेन ऑफ एलिवेशन दूसरा होता है माउंटेंस ऑफ एकोमलेसन और तीसरा होता है माउंटेंस ऑफ इरोशन ये तीन तरह का माउंटेन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर माउंटेन ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं यानी जो अपलिफ्टमेंट के द्वारा होता है इस माउंटेन ऑफ एलिवेशन को भी हम दो पाने बांट सकते हैं एक होता है फोल्ड माउंटेन और दूसरा होता है यानी फॉल्टिंग के द्वारा जो माउंटेन फॉर्म होता है जी इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं तो दो माउंटेन हो गया फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन ये हो गया दोनों माउंटेन ऑफ एलिवेशन के अंदर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि माउंटेंस क्या चीज़ है पहले माउंटेंस के फीचर्स को देख लें हम किसको माउंटेन कह सकते हैं किसको प्लेटूज कह सकते हैं इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हम इसको पहाड़ कहें या इसको प्लेटूज कहें ये बड़ा डिफ़िकल्ट है तो पहाड़ के लिए ना माउंटेन के लिए क्या डेफिनेशन है तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो लैंड फॉर्म्स यानी जमीन का जो हिस्सा ऊपर उठता गया ऊपर उठता गया और ऊपर उठते उठते लगभग 600 मीटर या उससे ऊपर उठ गया तो उसको हम माउंटेन कह सकते हैं यानी माउंटेन का हाइट मिनिमम 600 मीटर रखा गया है 600 मीटर से नीचे यदि लैंड लैंडफॉम्स उठा हुआ है तो उसको हम प्लेटूज कह सकते हैं हिल्स कह सकते हैं बहुत सारा पार्ट है उसमें लेकिन माउंटेन के डेफिनेशन क्या हो गया तो 600 मीटर से ऊंचा होना चाहिए तभी वो माउंटेन कहलाएगा और अगर कोई लैंड फॉर्म उससे नीचे है तो उसको हम हिल्स कहेंगे माउंटेन का दूसरा फीचर होता है इसमें जो स्लोप होता है वो स्टीप स्लोप होता है एकदम खड़ा एकदम खड़ा होता है कहीं कहीं पर स्लोप जो होता है वो उसका नॉर्मल भी होता है जिसको हम लोग यानी जेंटल स्लोप कहते हैं वो भी होता है तो so, लेकिन इसमें और उसका जो ऊपर टॉप होता है वो पूरा यानी राउंड होता है तो so, दूसरा फीचर्स हो गया हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन जो होता है उसको हम लोग पिक कहते हैं तो so, तीन पार्ट तीन चीज़ हमने देखा माउंटेन के लिए फ़ीचर्स पहला सिक्स सेंटीमीटर मीटर से ऊंचा होना चाहिए दूसरा आपने देखा यहाँ पर तो उसमें स्लोप होना चाहिए या फिर वो स्टीप होगा और तीसरा है इसका हाईएस्ट जो पार्ट है वो राउंड होता है और उसको हम लोग पिक कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा पिक है जिसकी ऊंचाई एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट मीटर है और कई सारे ऐसे ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं जिसको मिलाकर हम माउंटेन रेंज कहते हैं तो ये तो हो गया माउंटेन के बारे में छोटी जानकारी इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमने कहा था कि तीन कैटेगरी का माउंटेन होता है उसमें पहली कैटेगरी की के जो माउंटेन थी जिसको माउंटेन ऑफ अपलिट एलिवेशन या अपलिफ्टमेंट हम कहते हैं उसको हम दो पार्ट में बांटे थे पहला था फोल्ड माउंटेन तो फोल्ड माउंटेन के बारे में देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन क्या चीज़ है फोल्ड का मतलब क्या होता है फोल्ड का मतलब होता है एक ऐसा तरीका इन विच द वर फॉर्म्ड माउंटेन का फॉर्मेशन एक के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स में माउंटेन कोई एक दिन का चीज़ नहीं है कि माउंटेन एक दिन में फॉर्म हो गया ऐसा नहीं है मिलियंस ऑफ ईयर्स इसके फॉर्मेशन में लग जाते हैं आस्ते आस्ते ये ज़मीन का हिस्सा उठता हुआ जाता है उठते 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 ही एक माउंटेन का शेप ले लेता है लेकिन जो फोल्ड माउंटेन होता है वो माउंटेन वर्टिकली ऊपर नहीं उठता अब इसका यही अंतर है कि दूसरे माउंटेन से अलग इसलिए है क्योंकि ये माउंटेन वर्टिकली राइज नहीं करता बट कि ये हॉरिजेंटली राइज करता है यस हॉरिजेंटल कॉजिंग द अर्थ क्रस्ट जिसके कारण अर्थ क्रस्ट होता है और उसमें बहुत सारे रिंकल्स या फोल्ड पड़ जाते हैं सो so, अब फोल्ड्स वेयर कॉल्ड एंटीक्लाइंस जो अपफोल्ड होता है उसको एंटीक्लाइंस कहते हैं और जो डाउन फोल्ड होता है उसको हम सीनक्लायंस कहते हैं तो इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद रखना होगा एंटीक्लाइंस और सीन क्लाइंस के बीच में ये भी एग्जाम में कभी कभी दोनों के बारे में पूछता है वेग्नर्स थ्योरी जो कॉन्टे ड्रिफ्ट को लेकर बनाया गया है उसमें यह है कि जितने भी फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है वो आमतौर पर प्लेट के कारण हुआ है जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक में जो प्लेट्स होता है वो मूव करता है और इसी मूवमेंट के कारण भी अर्थ का फॉर्मेशन होता है और ये अर्थ का फॉर्मेशन तो जितने पार्ट को ये अर्थक्वेक के कारण जो एनर्जी होती है वो तो पुश करती है वो पुश करने से कहीं कहीं पर क्या हो जाता है वो क्रैक के द्वारा ऊपर की तरफ उठ जाता है और उससे माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम, हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं तो ये था यहाँ पर फोल्ड माउंटेन के लिए इसके अलावा अगर हम देखें तो वो दुनिया का जो सबसे यानी लार्जेस्ट जो माउंटेन पिक है वो तो हिमालय है ही इसके अलावा हम कह सकते सेकेंड लार्जेस्ट में एंडस का नाम ले सकते हैं इसके अलावा माउंटेन बिल्डिंग जैसा हमने कहा कई पीरियड्स में होता है और इसमें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें शो बहुत सारे ऐसे ओल्ड फोल्ड माउंटेंस हैं जो आमतौर पर 250 मिलियन ईयर से गो इनका फॉर्मेशन हुआ था यंग फोल्ड माउंटेन का दो तो मैंने पहले क्या है थर्टी मिलिय ईयर से गो और जिसका फॉर्मेशन 250 मिलियन ईयर से हुआ हुआ था वो कहलाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिसमें एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं रसिया का यूरल माउंटेन इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का एपालचेन माउंटेन इसके अलावा इंडिया का अरावली रेंज ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्ज़ाम्पल है इसके अलावा दूसरा होता है यंग फोल्ड माउंटेन जिसके बारे में हमने कहा ये थर्टी मिलियन ईयर से को या इससे कम कि का जो पीरियड है इसको हम यानी एल्पाइन रीजन में डालते हैं तो इसको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन इसका फॉर्मेशन 25 फाइव मिलियन ईयरसों के अंदर हुआ है वर्ल्ड हाइस्ट माउंटेन रेंजेज वी आर फॉर्म डूरिंग दिस पीरियड दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऊंचा माउंटेन रेंज है वो इसी पीरियड में फॉर्म हुआ है और ख़ासतौर पर इसको जैसे हिमालय का फॉर्मेशन भी इसी पीरियड में हुआ है और हिमालय भी यंग फोल्ड माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है यंग फोल माउंटेन के बारे में अगर हम दो चार फीचर्स देखें तो यंग फॉल माउंटेन कैसा होता है और इसमें क्या फ़ीचर्स है यंग फोल माउंटेन में सबसे पहला फीचर ये है इसमें बहुत सारे पैरेलल रेंज होते हैं दीज आर द फीचर्स ऑफ यंग फोल माउंटेन्स सो द फर्स्ट फीचर ऑफ यंग फोल माउंटेन इज देयर आर सेवरल पैरेलल रेंजेज बहुत सारे पैरेलल रेंज होते हैं जिसमें बहुत सारी डीप वैलीज होती हैं पैरेलल रेंजेज के बीच में वैलीज होती हैं दूसरा है कि माउंटेन रेंजेज जो होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है और इसका जो पीक्स होता है यानी इसका टॉप होता है वो आमतौर पर स्नो तो कवर्ड होता है यानी थ्रू आउट द ईयर इसमें स्नो तो यानी बर्फ जमा होता है तो ये इसका दूसरा कैटरीज कह सकते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हम यंग फॉल माउंटेन का कह सकते हैं उसमें इसमें हाई प्लेटू ज़्यादा होता है दो माउंटेन रेंज के बीच में हाई प्लेटूज होता है खास तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे हम ये कहें तो टर्की का जो प्लेटूज ऑफ एनोटोलिया है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है इसके अलावा तिब्बत में प्लेटू ऑफ तिब्बत भी है तो दीज आर कॉल्ड इंटर माउंटेन प्लेटू भी कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पर दो माउंटेन रेंजेज़ के बीच में दो पैरेलल माउंटेन रेंज के बीच में ये प्लेटू फॉर्म होता है इसलिए इसका नाम इंटर माउंटेन प्लेटू भी है इसका चौथा जो यानी फीचर से कह सकते हैं कि माउंटेन रीजन्स जो यहाँ का होता है उसमें आमतौर पर इनस्टेबिलिटी होती है और ये रीजन जो होता है इनस्टेबल होने के कारण इस एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा होता है और इरप्शन भी ज़्यादा होता है तो यंग फोल्ड रीजन में ख़ासतौर पर ज़्यादा इरप्शन एंड अर्थक्वेक होने का चांस ज़्यादा रहता है इसके अलावा इसका नेक्स्ट फीचर ये भी कह सकते हैं इसमें नोरो नैरो गॉर्जेज होते हैं कैनोन्स होते हैं और वाटरफॉल होते हैं इसके अलावा जिसका सिक्स फीचर कह सकते हैं कि माउंटेन रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं और इसी ग्लेशियर्स को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं सो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक बहुत बड़ा सेंटर होता है तो ये था इसका यानी यंग फॉल माउंटेन का फीचर्स हम लोग देखें तो यंग फॉल माउंटेन कहाँ कहाँ पाया जाता है यंग फॉल माउंटेन को तो आमतौर पर दो रीजन में ज़्यादा पाया जाता है और दोनों रीजन में नाम रखें पहला रीजन है सरकुम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट और दूसरा यहाँ पर कि मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट इस दोनों रीजन में ज़्यादा पाया जाता है पहले हम देखते हैं सरकुम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट में कौन कौन सा रीजन पड़ता है सरकुम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट आमतौर पर यानी पैसिफिक ओशन के पार्ट में पैसिफिक ओशियन के अगल बगल में ये पाया जाता है और इसमें आमतौर पर एंडस रेंजेज ऑफ साउथ अमेरिका रॉकीज इन इन नॉर्थ अमेरिका ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके अलावा जो दूसरा पार्ट हमने देखा वह है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट आमतौर पर आल्प्स इसके अलावा इससे जो अलग अलग एसोसिएटेड जो यानी माउंटेन रेंजेज हैं वो पाए जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर कॉ इसके अलावा अदर रेंजेज में एशियन प्लेटूज में एशियन रेंजेज एशिया के रसिया में और भी अलग अलग माउंट रेंज पाए जाते हैं टर्की में पाए जाते हैं ईरान में पाए जाते हैं तो इस तरह का ये आमतौर पर मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट कहलाता है तो इस तरह से हमने देखा कि जो यंग पर्ल माउंटेन है वो दो रीजन में ज़्यादा पाया जाता है यानी सरगुम पैसेफिक बेल्ट जिसमें आमतौर पर हमने देखा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में और पैसिफिक ऑशन के यानी मार्जिन पर पाया जाता है और दूसरा था मिड वर्ल्ड माउंटेन में जिसमें आमतौर पर रसिया में एशियन कंट्रीज में टर्की में और इस तरह से यहाँ पर अदर पार्ट्स में पाया जाता है सो so, आमतौर पर हमने यंग फॉल माउंटेन्स को डिस्क्राइब कर लिया है और इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट आता है इस का वो उसमें हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन के बारे में रेसरल माउंटेन के बारे में माउंटेन्स के फीचर्स के बारे में तो ये चूंकि चैप्टर को दो पार्ट में बांट कर वीडियो बनाया गया है सो तो इस पार्ट को हम ये ख़त्म करते हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट फिर इसका इसके बाद का पार्ट से होगा ओके थैंक यू